अब हम पढ़ेंगे ओलंपिक के, वो बोलना पैरा ओलंपिक के भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी। तो जो सेकंड ओलंपिक होता है 1900 में पेरिस में, फर्स्ट ओलंपिक हुआ 1896 में, सेकंड ओलंपिक हुआ 1900 में पेरिस में। इसमें भारत में जन्मे श्री नोमन जी प्रिचार्ड ने, ठीक है। तो उस समय क्या था कि ओलंपिक की लोकप्रियता बहुत कम थी, तो खिलाड़ी मिल रहे नहीं थे। तो नॉर्मन जी प्रिचर्ड भी पेरिस में घूमने गया हुआ था, तो उसने देखा कि प्रतियोगिता हो रही थी, तो वो भी वहाँ भाग लेना चाहा। तो लोकप्रियता कम थी, कम खिलाड़ी थे, इसलिए नॉर्मन जी प्रिचर्ड को भी भाग लेने की अनुमति मिल गई। तो इन्होंने जो 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल में रजत पदक जीता, लेकिन भारत की एंट्री नहीं, क्योंकि ब्रिटेन का भारत पर अधिकार था। तो वो मेडल आज भी ब्रिटेन के पास है, और लेकिन भारत इस पे दावा जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मेडल आज भी अनसुलझा है, ठीक है। फिर हुआ सातवां ओलंपिक 1920 में एंटवर्थ में। इसमें भारत ने फर्स्ट बार अधिकृत रूप से भाग लिया 1920 में। पूना जिमखाना के अध्यक्ष दोराबजी ने टाटा ने ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी के अधीन ओलंपिक में भाग दिलाने की गुजारिश की थी, इसलिए 1920 में टाटा को आईओसी में विशेष प्रतिनिधि का दर्जा देकर भारत की टीम को भी ओलंपिक में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बैनर के तले भाग लेने की अनुमति मिली थी। और पीसी बनर्जी, पीडी चोगले, सदाजीव दत्ता ये एथलेटिक में भाग लिया, और एम शिंदे और जिनवाले ने इसमें भी भाग लिया। और इस टीम के मैनेजर थे सर दोराबजी टाटा। इसके बाद आता है नवा एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो कि 1928 में हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन जब 1927 में हो गया, तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ के बैनर के तले हमारी भारतीय टीम चली, और एथलीट और हॉकी में भाग लिया, और पहली बार अधिकृत रूप से पदक जीता, ठीक है। हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में पहली बार जो है अधिकृत रूप से पदक जीता। कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम का कप्तान थे, ठीक है। और ये एक डिफेंडर के रूप में भारतीय टीम में भूमिका निभाते थे, और इनको बाद में बीकानेर का विदेश सचिव भी नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर हुआ दसवां ओलंपिक लॉस एंजलिस में, 1900 कब हुआ, 1932 में। केवल हॉकी में भाग लिया भारत ने, ठीक है भाई, बोला केवल हॉकी में भाग लिया। सेकंड स्वर्ण मिला, ठीक है। पहला स्वर्ण मिला 1928 में, 1932 में मिला द्वितीय स्वर्ण, ठीक है। और इसमें कप्तान थे लाल छा भिखारी, जो कि लाल छा बुखारी, जो कि पाकिस्तान चले गए, देश के आजाद होने के बाद पाकिस्तान चले गए, ठीक है। इसी मैच में लगभग 1932 में लॉस एंजलिस में, ठीक है, दसवें ओलंपिक में 15 गोल किए रूप सिंह ने, और ध्यानचंद्र ने 10 गोल किए लॉस एंजलिस में 1932 में। केवल हॉकी में भाग लिया, कप्तान थे लाल छा भिखारी, और इसमें रूप सिंह ने 15 और ध्यानचंद्र ने 10 गोल किए। भाई बोलो, ध्यानचंद्र ने 10 गोल किए लॉस एंजलिस में। फिर आया 11वां और बर्लिन ओलंपिक, थर्ड गोल्ड मिला। कौन सा गोल्ड मिला? थर्ड गोल्ड 1936 में बर्लिन ओलंपिक में तीसरा गोल्ड मिला। 1928 के बाद 1932 में, फिर 1936 में, ठीक है, बर्लिन ओलंपिक जो कि जर्मनी में हुआ। इसमें कप्तान थे ध्यानचंद, और जर्मनी की ही टीम को फाइनल में 8-1 से हराया भारत ने, और इसमें 8 में से 3 गोल किए ध्यानचंद ने। यह 1936 में बर्लिन ओलंपिक में वही मैच था जिसमें जर्मनी के राजा हिटलर ने जो है हमारे ध्यानचंद को ये प्रलोभन दिया कि आप जर्मनी की टीम से खेलिए, आपको मुंह मांगा जो इनाम दिया जाएगा। लेकिन ध्यानचंद की देशभक्ति देखिए, उन्होंने जो है उसमें
उस समय जो हमारा गुलाम भारत था उस समय भी देखें इनकी देशभक्ति जो थी उसमें इन्होंने जो उसके ऑफर को जो ठुकराया 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में तीसरा गोल्ड जीता था। ध्यानचंद तो अपने आप में हॉकी का जादूगर थे, 400 से अधिक गोल का रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय गोलों का रिकॉर्ड, ठीक है, ऐसे छोटा मोटा नहीं हूँ यहाँ पे लकड़ी लेके नहीं इधर बॉल मार दी गोल हो गया, ऐसा नहीं, 400 अंतरराष्ट्रीय गोलों का इसमें ध्यानचंद्र को अवार्ड मिला है, मतलब इसके उपलब्धि हासिल है। 29 अगस्त को इन्हीं की याद में, इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, और ध्यान सिंह इनका बचपन का नाम था, लेकिन ये जब चांदनी रात में चांद के तले प्रैक्टिस करता था तब अंग्रेज अधिकारियों ने और इनके दोस्तों ने ध्यान चांद का नाम दिया, ये ध्यान चांद है भाइयों बहनों, ध्यान चांद, चांद की रोशनी में खेलने वाला ध्यान चांद, एकमात्र हॉकी खिलाड़ी जिन पर डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है, ये डाक टिकट जिन पर जारी हुआ, ये अकेला खिलाड़ी था जिन पर डाक टिकट जारी हुआ। 2002 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम को इन्हीं के नाम पर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम ओ हॉकी यही बनाया गया है 2002 में, और लंदन में इंडियन जिम खाना क्लब का नाम ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, और 2014 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न के लिए भी नामित किया गया था, ठीक है। फिर आया 14वां ओलंपिक 1948, ठीक है, तो हमने कब कब गोल्ड जीता, हमने गोल्ड जीता 1928 में, 1932 में और 1936 में, ठीक है। फिर आया 14वां ओलंपिक, ठीक है, और इसमें 1948 में तो चौथी बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता, और आजादी के बाद पहला गोल्ड जीता 1948 में, और पहली बार ओलंपिक में भारत की राष्ट्र धुन बजी, ठीक है, ब्रिटेन को जिसके हम गुलाम थे उसको उसी के देश में हराया हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने, और भारत के केडी जाधव भी कुश्ती में छठा स्थान लेके आए 1948 में, केडी जाधव भी कुश्ती में छठा, अल्प संसाधनों के साथ जूझते हुए भी छठा स्थान लेके आए हमारे खिलाड़ी, और 1952 में हेलसिंकी जो ओलंपिक हुए, ठीक है, उसमें हॉकी का हमने पांचवा स्वर्ण जीता, कौन सा पांचवा स्वर्ण, और केडी सिंह, ठीक है, केडी सिंह कुंवर दिग्विजय सिंह की कप्तानी में हमने हॉकी में पांचवा स्वर्ण जीता, और केडी जाधव ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक और व्यक्तिगत में पहला इसने जीता केडी जाधव ने, ठीक है, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, ठीक है, और केडी बाबू, केडी सिंह बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे, 1953 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में इनका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना गया इनको 1953 में, और 14 वर्ष के स्कूली बच्चों के लिए अखिल भारतीय केडी सिंह हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, अभी वर्तमान में भी आयोजित की जाती है, और 1960 में इनको पद्मश्री और दो स्टेडियम इन्हीं के नाम पर बनाए गए हैं, बाबू केडियम केडी सिंह के नाम पर दो स्टेडियम और पद्मश्री इनको मिलना है, और जो गोल्ड मूवी जो कि अक्षय कुमार के द्वारा बनाई गई है वो भी 1948 में केडी जाधव के प्रदर्शन के आधार पर ही बनाई गई है, और 1978 में बंदूक सार करते वक्त गोली लगने से कैडी बाबू के कैडी सिंह, ठीक है, दिग्विजय सिंह की, जो बाबू दिग्विजय सिंह की